एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से होने वाले क्या फायदे हैं, क्या अच्छी बातें हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन से वैसे तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स के शेप और बनने के तरीके, कंपाउंड बनने के तरीके, बॉन्ड क्यों एक जैसे बन रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब मिले जो कि पहले ट्रेडिशनल केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज है हाइब्रिडाइजेशन का, वो है किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री पता चल जाना। जिससे अगर किसी मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री पता चल जाए तो उससे ये पता किया जा सकता है कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, कंपाउंड किस पोजीशन पे लाई करता है, कौन कंपाउंड के एटम्स कौन कौन सी पोजीशन पे लाई करते हैं। जब एक बार आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर और उसके एटम्स की पोजीशन पता चल गई तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि कंपाउंड किस प्रकार का फिजिकल और केमिकल बिहेवियर शो करेगा। ये प्रिडिक्ट कर पाना संभव हो जाता है कि कंपाउंड किस तरह का फिजिकल और केमिकल बिहेवियर शो करेगा। अगर एक बार आप कंपाउंड का केमिकल और फिजिकल बिहेवियर प्रिडिक्ट करने लगे तो फिर आपको कंपाउंड का वेस्टेज बहुत ज्यादा बच जाता है और केवल थ्योरी से आप ये डिड्यूस करने लगते हैं कि ये कंपाउंड इस तरीके से बिहेव करेगा, इस प्रकार के कंपाउंड प्रोडक्ट्स बनाएगा, इस तरीके की रिएक्शंस को प्रमोट करेगा और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को नहीं करेगा। ये इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साबित हुआ एंड इट वॉज अ वेरी बिग माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री।